हाँ जी विकास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज सबको आ रही है बच्चे? गुड इवनिंग सर, आ रही है आवाज। तो बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th, 12th और एंट्रेंस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, चैप्टर की, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। तो इसके अंदर थ्योरी भी है बहुत कम अमाउंट के अंदर और न्यूमेरिकल्स काफी ज्यादा अमाउंट के अंदर है, काफी बड़ा चैप्टर है अगर न्यूमेरिकल्स की बात की जाए तो प्रैक्टिस करने के लिए, और ये हर लेवल के एग्जाम्स के अंदर टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है लिस्ट के अंदर। तो इसका एक भी लेक्चर मिस करने का मतलब है कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए इस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा और न्यूमेरिकल्स हम अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे, और इस चैप्टर को एंड में कराने का मेरा पर्पस ही यही था कि हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस जो है वो कर सकें, और बहुत कम समय में आपके स्कूल में ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा, पर यहाँ पे हम सबसे ज्यादा टाइम लेंगे इसको कराने में। तो शुरुआत करते हैं हम इस चैप्टर के अंदर इक्विलिब्रियम के। अब ये होता क्या है? इक्विलिब्रियम को हम इक्वल से भी एसोसिएट करते हैं क्योंकि ये वर्ड वहीं से ही आता है। तो अब जब कोई भी चीज इक्वल कही जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर दो चीजें आपस में बराबर हो जाएंगी। तो एटलीस्ट यू नीड टू थिंग्स टू मेक समथिंग इक्वलाइज। तो इक्विलिब्रियम जो होता है वो किसी भी प्रोसेस का एक स्टेट होता है जिसमें उसकी प्रॉपर्टीज जैसे कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर किसी भी सिस्टम का कोई भी बदलाव शो नहीं कर पाता है समय के साथ। मतलब समय, टाइम इज अनस्टॉपेबल। तो टाइम चलता रहता है पर कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते, उसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्वी पर, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में इक्वी बोलता हूं, दो अपोजिंग फोर्सेस जो होते हैं या प्रोसेसेस जो होते हैं वो सेम स्पीड से भागते हैं, चलते हैं, और मिक्सचर उस टाइम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का इक्वी पर, उस मिक्सचर को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर। मतलब इक्वी अटेन करने पर जो जो अमाउंट रिएक्टेंट्स का या प्रोडक्ट का होता है उसको हम इक्वी मिक्सचर कहते हैं। अब एक एक करके हम पढ़ते हैं कि इक्वी क्या होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं। तो वो हमारे पास तीन टाइप के आते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम जो 5-10 मिनट का टॉपिक है, केमिकल इक्विलिब्रियम जो 2-3 क्लास ले लेगा, और उसके बाद आयोनिक इक्वी जो काफी आगे तक जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वी प्रोसेसेस इन फिजिकल फॉर्म। तो हम बात करते हैं, सबसे पहला इक्वी जो हम देखते हैं वो होता है सॉलिड लिक्विड इक्वी। अब ये सॉलिड लिक्विड इक्वी क्या होता है हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो आप देखिए, हम यहां पर बात कर रहे हैं दो स्टेट की, वो होते हैं सॉलिड और लिक्विड स्टेट, दोनों सेम टेम्परेचर पर साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। सर ऐसा कब पॉसिबल है? तो आप ये देखिए बेटा, आपके पास आइस है जो किस टेम्परेचर पे मेल्ट करती है, एट 0 degree Celsius या 273 केल्विन पर। तो बेटा आइस का स्टेट क्या होता है सॉलिड, वो मेल्ट करके किस में बदल जाती है, वाटर। वाटर का स्टेट बेटा क्या होता है लिक्विड। तो अगर आइस होगी इट विल मेल्ट टू गिव वाटर, अगर वाटर होगा इट विल फ्रीज टू फॉर्म आइस। दोनों स्टेट 0 degree पर किस पे आ जाते हैं बेटा, इक्वी पर।
तो देखो टेम्परेचर फिक्स हो गया कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 0 डिग्री पर आइस है वो मेल्ट करना शुरू कर देगी और वाटर बना लेगी, और अगर वाटर होगा तो वो फ्रीज करके क्या बना लेगा, आइस बना लेगा। तो 0 डिग्री पर ये दोनों स्टेट लिक्विड और सॉलिड एग्जिस्ट कर सकते हैं। टू बी मोर प्रिसाइज, किसी भी सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पर ये दोनों स्टेट एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड और लिक्विड, या इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। तो बर्फ पानी में बदल रही है, रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल, पानी वाटर में बर्फ में फ्रीज हो रहा है, इसे कहते हैं बेटा डायनामिक इन नेचर। सर ये डायनामिक का मतलब क्या होता है बेटा? इक्वी हम 3 स्टेट्स में पढ़ रहे हैं, पर इक्वी 2 टाइप के होते हैं बेटा, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। अब स्टैटिक में क्या होता है, सामने वाला प्रोसेस अपोजिंग प्रोसेस को रोक देगा जिसकी वजह से नो चेंज, और डायनामिक में क्या होता है, जितनी स्पीड से सामने वाला प्रोसेस भाग रहा है उतनी स्पीड से पीछे वाला प्रोसेस भी भाग रहा है, पर चेंज क्या है, 0। मतलब आप एक मॉल में गए, वहां पे एस्केलेटर था, तो उस एस्केलेटर पे आप क्लाइम करने लगे, तो एस्केलेटर ऊपर जाने लगा और आप नीचे उतरने लगे, दोनों की स्पीड सेम है, तो 5 मिनट के बाद आप उसी जगह पे होगे जिस जगह पे एस्केलेटर है, एस्केलेटर है जिस जगह पे आप हो। मतलब दोनों प्रोसेसेस हो रहे हैं, एस्केलेटर ऊपर जा रहा है, आप नीचे उतर रहे हैं, पर नेट चेंज क्या है बेटा, 0। इसे कहते हैं डायनामिक इक्वी। लेकिन अगर आप सी सॉ पे बैठे हैं, है ना, सी सॉ जो झूला होता है, अगर आप उस पे बैठे हैं और आपका फ्रेंड भी उस पे बैठा है, ना तो आप ऊपर की तरफ मूव कर पा रहे हैं, ना वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, कोई भी चेंज नहीं हो पा रहा है, ये स्टैटिक इक्वी के अंदर आता है। तो डायनामिक इक्वी में दोनों प्रोसेसेस हो रहे होते हैं पर नेट चेंज क्या होता है, 0। स्टैटिक इक्वी में दोनों प्रोसेस एक दूसरे को रोक देते हैं, इसलिए नेट चेंज क्या होता है, 0। तो हम कोर्स में सिर्फ डायनामिक इक्वी पढ़ेंगे, स्टैटिक इक्वी नहीं पढ़ेंगे। इसलिए हम देख सकते हैं कि जिस स्पीड से बर्फ पिघल रही है उसी स्पीड से पानी फ्रीज होके बर्फ बना रहा है, इसलिए अमाउंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। देन हम बात करते हैं सेकेंड इक्वी स्टेट की, वो होता है लिक्विड और वेपर के बीच में इक्वी। अब लिक्विड और वेपर की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहां पे क्या आता है बेटा, वाटर, जिसका स्टेट क्या होता है, लिक्विड, जो किसमें बदल रहा है, वेपर के अंदर, जिसका स्टेट बेटा क्या होता है, गैस। और ऐसा कब होता है, एट बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे आपको लिक्विड और वेपर स्टेट जो होते हैं वो इक्वी में एग्जिस्ट करते हैं। तो कहते हैं किसी भी प्योर लिक्विड के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कितना होता है 1 atm या 1.013 bar, और टेम्परेचर पे लिक्विड वेपर साथ में होते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे। बहुत केसेस में या ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, क्योंकि हमने देखा है कि हाई ऑल्टीट्यूड्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बेटा वो क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, इसको ठीक कर लेना। तो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता है। सर कम कैसे होता है,
इसका भी बेटा एक डायग्राम देखो, ये मनाली है या फिर आप इसको लेह मान सकते हैं, और ये आप खड़े हैं दिल्ली में, और ये है वाटर ओशन। यहां से यहां तक जो प्रेशर होता है बेटा, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो बेटा काफी ज्यादा होता है, हाई। लेकिन अगर आप किसी हिल पे क्लाइम कर लेंगे तो बेटा आपके सर के ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ही कम हो गया, क्योंकि आप इतने हाई चले गए। तो यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बेटा वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई ऑल्टीट्यूड्स पे बेटा क्या होता है, कम होता है। तो आप वो करेक्शन जरूर कर लीजिएगा। तो वो कहते हैं लिक्विड वेपर इक्वी भी डायनेमिक नेचर में होता है, मतलब वाटर और वाटर वेपर जो होते हैं वो आपस में इक्वी पर होते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन किस प्रेशर पर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। इसीलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन इज सेम एज रेट ऑफ कंडेंसेशन, इसीलिए दोनों का अमाउंट क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है। इसको हम कहते हैं डायनामिक फिजिकल इक्वी बिटवीन लिक्विड एंड वेपर। आई होप आपको समझ में आ गया। और इसमें से बेटा कोई चीज अगर आपको कॉपी करनी है तो आप कॉपी कर लीजिए, मुझे ये हटाना पड़ेगा। अगला जो हमारा फिजिकल इक्वी आता है वो आता है सॉलिड और वेपर के बीच में। पहले तो हमने सॉलिड लिक्विड पढ़ा, फिर लिक्विड हमने वेपर पढ़ा, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिड और वेपर। तो ये तो एक तरह का सब्लिमेशन हो गया ना, और सब्लिमेशन में बेटा हमारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड, जो बेटा क्या है, सॉलिड, जिसको हम कहते हैं ड्राई आइस। अब कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस की फॉर्म के अंदर सॉलिड होती है, और ये सबलाइम कर जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म के अंदर, और वापस CO2 बन सकती है। कब, एट व्हाट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को बेटा हम कहते हैं सबलाइम टेम्परेचर। तो सॉलिड और गैस के बीच में, तो सब्सटेंसेस जैसे आयोडीन, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड जब एक बंद कंटेनर में रखे जाते हैं तो कुछ समय के बाद उनके दोनों स्टेट के बीच में इक्वी आ जाता है, वेपर स्टेट या गैसियस स्टेट, और दूसरा होता है सॉलिड स्टेट। ऐसे केसेस में जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं सब्लिमेशन। लेकिन जो अगले दो आप पढ़ने वाले हैं, दैट इज इक्वी ऑफ सॉलिड और गैसेस इन लिक्विड, इन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहते हैं सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड को आप जब लिक्विड में ऐड करते हैं उनके बीच में भी इक्वी आता है। सर वो कैसे, बेटा ये एक पानी का ग्लास है, और आपने इसके अंदर क्या ऐड करा, शुगर या फिर सॉल्ट, कितना अमाउंट, 2 टीस्पून। अब 2 टीस्पून के अंदर थोड़ा सा शुगर यहां पर आ गया, मतलब वो डिसॉल्व नहीं हुआ। तो बेटा ऐसी शुगर को जो ऐसे रह जाती है वो सॉलिड स्टेट में होती है, उसे कहते हैं क्रिस्टलाइज्ड शुगर।
और बाकी का जो शुगर है बेटा वो यहां पे डिसॉल्व हो गया, तो बेटा ये वाली जो शुगर होती है इसको हम कहते हैं शुगर या सॉल्ट किस फॉर्म के अंदर, एक्वस। तो शुगर या सॉल्ट एक्वस जो होते हैं वो सॉलिड शुगर के साथ किसमें आ जाते हैं, एक्वी पर आ जाते हैं। सर वो कैसे क्या होता है, कुछ शुगर एक्वस फॉर्म से निकल के क्रिस्टलाइज कर जाती है और जितनी शुगर क्रिस्टलाइज करेगी उतनी ही शुगर क्रिस्टल से निकल के इसके अंदर क्या कर जाती है, डिसॉल्व कर जाती है। तो रेट ऑफ शुगर डिसॉल्विंग इज इक्वल टू रेट ऑफ शुगर या सॉल्ट गेटिंग क्रिस्टलाइज, इसको हम कहते हैं सॉलिड का इक्वी लिक्विड स्टेट के अंदर। कहते हैं जब एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉलिड को, यूजुअली शुगर या सॉल्ट को, हम जब डिसॉल्व करते हैं एक गिवन लिक्विड में, यूजुअली पानी में, एट अ गिवन टेम्परेचर, तो वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम डायनामिक इक्वी पर मानते हैं क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो होते हैं सॉलिड स्टेट में वो इक्वी पर होते हैं इन सॉल्यूशन स्टेट के फॉर्म के अंदर। तो इक्वी पर वो शुगर जो डिसॉल्व की हुई है, इट इज इन इक्वी विद वो शुगर जो सेटल डाउन है नीचे, इसलिए से कहते हैं रेट ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ शुगर इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर या फिर सॉल्ट। तो आई होप आपको तो लगेगा कि सर ये देखो नीचे शुगर पड़ी है, मुझे तो कुछ चेंज नजर ही नहीं आ रहा। बेटा वो चेंज इतना छोटा होता है, इतना माइन्यूट होता है कि आप उसको आंखों से नहीं देख सकते, पर यस इट इज जरूरी, इट हैपेंस कि कुछ शुगर जो है वो सॉल्यूशन से निकल के नीचे प्रेसिपिटेट कर जाती है, नीचे क्रिस्टलाइज कर जाती है, और उतनी ही शुगर जो होती है वो क्रिस्टल से निकल के सॉल्यूशन में चली जाती है, डिसॉल्व कर जाती है, इसलिए दोनों के बीच में क्या आ जाता है, इक्वी। ऐसे ही गैसेस जो लिक्विड में डिसॉल्व होती हैं उनके बीच में भी क्या आता है बेटा, इक्वी आता है। तो गैसेस जो है बेटा वो भी लिक्विड में क्या होती हैं, डिसॉल्व, और क्या वो शो करती हैं, इक्वी। कोई सवाल पूछ रहा था, हाँ जी सवाल पूछिए। सॉलिड एंड लिक्विड वाला एक बार एक्सप्लेन कर देंगे बेटा। आपके पास एक ग्लास पानी का है और आप उस पानी के अंदर क्या ऐड कर रहे हैं, शुगर या सॉल्ट। लेट सपोज आपने 2 teaspoon सॉल्ट ऐड किया, तो 2 teaspoon के अंदर सिर्फ 1.5 teaspoon जो है वो सॉल्ट का डिसॉल्व हो गया। जो सॉल्ट या सल्यूट डिसॉल्व होता है उसके नाम के आगे हम लिखते हैं एक्वस। क्या लिखते हैं, एक्वस। और जो डिसॉल्व नहीं हुआ वो नीचे सेटल डाउन कर जाता है, जिसको हम कहते हैं सॉल्ट, जो क्या होता है, क्रिस्टलाइन। तो आइडली हमको दिखने में लगता है कि देखो कोई भी चेंज नहीं हो रहा इनके बीच में, बट इन रियलिटी क्या होता है कि कुछ सॉल्ट जो डिसॉल्व होता है वो सॉल्यूशन को छोड़कर नीचे प्रेसिपिटेट कर जाता है, जिसको हम कहते हैं कि वो क्रिस्टलाइज कर जाता है, पर उसी समय थोड़ा सा क्रिस्टलाइज सॉल्ट जो है वो जो खाली जगह आती है उनमें चला जाता है, जिसको हम कहते हैं डिसॉल्यूशन। तो एक कंटेनर जिसके अंदर पानी है और सॉल्यूट आपने एक्सेस में डाला हुआ है, तो जो डिसॉल्व्ड सॉल्यूट होता है, डिसॉल्व्ड सॉल्यूट जो होता है और जो सॉल्यूट क्रिस्टलाइज करके पड़ा हुआ होता है, प्रेसिपिटेट में पड़ा हुआ होता है, उन दोनों के बीच में इस सिचुएशन पे क्या आ जाता है, इक्वी आ जाता है। तो अगर
कुछ भी सल्यूट सॉल्ट या शुगर सल्यूशन से बाहर निकल के प्रेसिपिटेट करता है या क्रिस्टलाइज करता है, तो उसी समय कुछ सॉल्ट जो है वो क्या कर जाता है, सॉल्यूशन में डिसॉल्व करके वही खाली जगह को ऑक्यूपाई कर जाता है। तो दोनों के बीच में क्या चलता रहता है, ये प्रोसेस दोनों होते रहते हैं, क्योंकि नेचर जो है इस इक्वी का क्या है, डायनामिक। पर जितना अमाउंट सॉल्यूशन को छोड़ के जाएगा उतना ही अमाउंट सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। आई होप समझ में आया कि कुछ और पूछना है इसके अंदर। सर ये ऐसा क्यों होता है कि वो चेंज होता रहता है बार-बार? बेटा ये एक वर्ड होता है स्पॉन्टेनियस या स्पॉन्टेनिटी की वजह से। आपस में इंटरैक्शंस हो रही होती हैं, कोलिजन्स हो रही होती हैं, जिसकी वजह से उसको मजबूरी में पानी को छोड़कर नीचे के जो सॉल्ट होते हैं उसकी इंटरैक्शन स्ट्रांग होती है तो वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी भी जगह होती है कि जहां पे कोलिजन्स की वजह से सॉल्ट जो होता है क्रिस्टल्स को छोड़कर क्या चला जाता है, एम्प्टी स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो ये हमेशा होता है, ये हमें दिखता नहीं है पर ये हमेशा होता रहता है। तो चीजें इधर से उधर जो है वो शिफ्ट होती रहती है। जिस तरफ स्पॉन्टेनिटी बढ़ती है तो प्रोसेस उस तरफ भागता है, डिसऑर्डर होता है तो प्रोसेस उस तरफ भाग रहा है। तो इट इज बेसिकली द कोलिजन्स जिनकी वजह से सॉल्ट या सल्यूट या शुगर जो है वो डिसॉल्व हो रही है पानी में, और इट इज द कोलिजन्स या इंटरैक्शंस जिनकी वजह से वो छोड़कर क्रिस्टलाइज कर रही है। आया समझ में? यस सर। मिस्टी आया समझ में? यस सर आ गया। ऐसे ही बेटा हम गैसेस को भी लिक्विड में जब डिसॉल्व करते हैं तो उनके बीच में भी इक्वी आता है। सर वो कैसे आता है? बेटा सबसे अच्छा एग्जांपल है कोक या पेप्सी की बॉटल या सोडा बॉटल। अब कुछ ऐसी दिखती है कोक या पेप्सी की बॉटल, उसके अंदर हम लिक्विड में क्या डिसॉल्व कर देते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा हम क्या लिखते हैं, एक्वस। और इसके ऊपर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बेटा वो किस फॉर्म के अंदर होती है, गैस की फॉर्म के अंदर। तो वन केस में देर इज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज डिसॉल्व्ड, दैट इज एक्वस, एंड अनदर देर इज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इन व्हाट फॉर्म, गैशियस फॉर्म। और इन दोनों कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में क्या होता है, इक्वी। जैसे ही कुछ कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर डिसॉल्व होती है, कुछ CO2 इस सॉल्यूशन को छोड़कर कहां पे आ जाती है, एक्सेस में। कंडीशन अप्लाइड, यहां पे कैप लगी हुई है, क्लोज्ड है बॉटल, उस केस में होता है। पर आपने देखा होगा जैसे ही आप कोक या पेप्सी की बॉटल ओपन करते हैं एक फिजिंग साउंड आता है करके, तो बेटा उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इज पैक विद सम प्रेशर। तो जैसे ही प्रेशर अंदर बॉटल के ज्यादा होता है, बाहर एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है बेटा कम होता है, इसलिए फिजिंग साउंड्स की वजह से गैस जो होती है बेटा वो बाहर रिलीज हो जाती है। बट बंद बॉटल के अंदर दोनों के बीच में क्या हो रहा होता है, फिजिकल इक्वी, डायनामिक इन नेचर। तो सर इसका मतलब कि उस बॉटल के अंदर जितनी गैस लिक्विड में उतनी गैस गैसीय फॉर्म में है? नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। लेट्स सपोज कि हमने, जस्ट टेकिंग अ जनरल एग्जांपल, कि हमने उसके अंदर 5 ग्राम्स ऑफ गैस डिसॉल्व करी या 50 ग्राम्स ऑफ, लेट्स सपोज गैस डिसॉल्व करी। अब 50 ग्राम्स में से 40 ग्राम डिसॉल्व हो गई और 10 ग्राम जो है वो अनडिसॉल्व फॉर्म के अंदर है बेटा।
तो अब यहां से 1 ग्राम 2 ग्राम यहां जाएगी लेट्स सपोज, तो बेटा 2 ग्राम यहां से बाहर आ जाएगी, तो वही 1 ग्राम 2 ग्राम अमाउंट जो है वो आगे पीछे होता रहेगा, बट टोटल अमाउंट इसका वही रहेगा, इसका वही रहेगा अंटिल अनलेस इट इज ओपन्ड इन द कंटेनर, मतलब कंटेनर इज ओपन तभी डिस्टर्ब होता है इक्वी, अदरवाइज फिजिकल इक्वी डिस्टर्ब नहीं होगा। मैं तभी मैंने यूज किया क्लोज्ड बॉटल, तो जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे बेटा वो क्लोज्ड फॉर्म के अंदर ही होने चाहिए, तो ही सबसे अच्छी रीडिंग ऑब्जर्वेशन जो है वो आती है, क्योंकि गैसेस के साथ प्रॉब्लम होती है वो एस्केप कर जाती है, लिक्विड और सॉलिड तो एस्केप नहीं करते पर गैसेस जो होती है वो एस्केप कर जाती है। तो द मोमेंट आपने पेप्सी या सोडा बॉटल या स्पार्कलिंग वाटर ओपन किया वो उड़ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट कहता है जब एक गैस को हम डिसॉल्व करते हैं लिक्विड के अंदर एक गिवन टेम्परेचर और प्रेशर में इन अ क्लोज्ड कंटेनर, देयर इज अ इक्वी बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड अबव द लिक्विड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। इट कैन बी प्रूव्ड बाय हेनरीज लॉ जो हम क्लास 12th में पढ़ते हैं। ये लॉ कहता है कि अगर आपको किसी भी गैस को डिसॉल्व करना हो एक गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट में एट एनी टेम्परेचर, तो आपको उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो गैस डिसॉल्व होगी, अगर आप प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे तो गैस डिसॉल्व नहीं होती है। तो अगर आपने कभी किसी चैनल के ऊपर कोक या पेप्सी की फैक्ट्री देखी होगी या कुछ ऐसा होता है, तो वो पहले पूरा सॉल्यूशन भर देते हैं, जो उनका जो भी उनका कलर होता है ब्लैक कलर या जो भी कलर है वो पूरा भर देते हैं, और पूरा भरने के बाद फिर वो एक पाइप से प्रेशर के साथ CO2 गैस इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद उसकी कैपिंग कर देते हैं, तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होनी शुरू हो जाती है। दूसरा, इसमें टेम्परेचर का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा। सर वो कैसे? उसका जवाब ये है बेटा कि आप ठंडी कोक पीना पसंद करते हैं कि गर्म कोक पीना पसंद करते हैं? ठंडी कोक, क्योंकि बेटा टेम्परेचर अगर कम होता है तो सॉल्युबिलिटी एक गैस की बेटा क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो गैस कोक को छोड़कर हवा में आ जाएगी, तो कम टेम्परेचर पे गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में ज्यादा अच्छी होती है, तो आपको फिजिंग अच्छा टेस्ट आता है, टैंगीनेस जो है वो बेटा अच्छी लगती है टंग के ऊपर। बट अगर आप गर्म कोक लेंगे तो उसके अंदर पहले तो वैसे ही गैस कम डिसॉल्व होगी, वो सारी की सारी ऊपर आ जाएगी, एंड द मोमेंट आप कैप ओपन करेंगे तो उसमें से ऑलमोस्ट 40% गैस तो पहले ही एस्केप कर जाएगी, तो आपको फिजिंग का स्वाद नहीं आएगा। इसलिए अगर आप एक ओपन बॉटल को एक दिन के लिए भी छोड़ दें तो बेटा उसकी फिज पूरी खत्म हो जाती है, क्योंकि सारी गैस जो है वो एस्केप कर गई, क्योंकि अंदर प्रेशर बहुत हाई होता है और बाहर प्रेशर जो है वो बहुत कम होता है, इसीलिए गैसेस जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ट्रैवल करती है। गैसेस कहां से मूव करती हैं? गैसेस मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। आई होप समझ में आया बेटा, किसी को कुछ पूछना हो इसके अंदर? और सर अगर एक बार हमने कुछ देर तक रख दिए ऐसे बिना मतलब खोल के, सर दोबारा इक्वी नहीं आ जाएगा उसमें? अगर बेटा आपने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, मतलब अगर तो उसमें से गैस एस्केप कर दी, तो जो बची कुची गैस है उसके बिहाफ पे इक्वी आएगा अगर आप उसको बंद करते हैं तो। बट मोमेंट आपने उसको ओपन कर लिया, मतलब देखो गैस है तो एस्केप करेगी करेगी, तो आप ये मत सोचो कि जब आप ठंडी कोक पीते हैं तो उसमें से गैस बाहर नहीं आती। बेटा बिल्कुल बाहर आती है, तो आपको ऑलमोस्ट 80% गैस का ही टेस्ट आएगा ठंडी कोक के अंदर, या 90% आएगा, बाकी तो वो ओपन होने में जैसे ही ओपन हुई आवाज आई इसका मतलब बेटा कुछ गैस एस्केप कर गई, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते।
देन फिजिकल इक्वी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कहते हैं अगर आपको सॉलिड लिक्विड इक्वी के बारे में बात करनी है तो बेटा वो सिर्फ एक ही टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, वो होता है मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो 1 atm या 1.013 बार होता है, जिसमें दोनों एग्जिस्ट करेंगे। सर क्या मैं 100 - -1 डिग्री सेल्सियस पर इक्वी अटेन कर सकता हूं आइस और वाटर के बीच में? नो सर। क्यों? क्योंकि बेटा माइनस वन पे सिर्फ आइस एग्जिस्ट करती है, वाटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। सर क्या मैं 1 degree or 2 degree पर इक्वी अटेन कर सकता हूं? नो, क्योंकि 1 या 2 degree पे आइस मेल्ट कर जाएगी तो पानी ज्यादा हो जाएगा, आइस का अमाउंट ऑलमोस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ये स्पेसिफिक टेम्परेचर्स पर ही आप अटेन कर सकते हैं, और ये दोनों स्टेट इसलिए अटेन होते हैं क्योंकि दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ हीट होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ऐसे ही लिक्विड वेपर इक्वी भी एक गिवन टेम्परेचर पर ही एग्जिस्ट किया जाता है। गैसेस का, सॉलिड्स का लिक्विड में डिसॉल्व होना एक सॉलिबिलिटी कहलाता है, जो भी एक गिवन टेम्परेचर पर होती है। अगर आपको शुगर या सॉल्ट ज्यादा डिसॉल्व करना है, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। पर अगर आप एक फिक्स्ड टेम्परेचर की बात करेंगे तो उस फिक्स्ड टेम्परेचर पर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही डिसॉल्व हो सकता है। अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी डिस्टर्ब होती है। ऐसे ही किसी भी गैस का लिक्विड के अंदर मिक्स होना, वो डिपेंड करता है गैस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है और उसका प्रेशर कितना है लिक्विड के सरफेस के ऊपर। जितना ज्यादा उसका प्रेशर होगा वो गैस उतनी ज्यादा सॉल्युबल होती है। तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी एक गैस की इंक्रीज होती है। सॉल्युबिलिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो All this is physical equi. आपको कुछ भी कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं केमिकल equi के अंदर। यहां से प्रोसेस जो है, चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंस गेन करता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि केमिकल equi क्या होता है। अब केमिकल equi के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि फिजिकल में तो नहीं होती, तो इस वजह से कहते हैं जब एक रिवर्सिबल रिएक्शन, दैट मींस पहली कंडीशन क्या है बेटा, रिएक्शन क्या होनी चाहिए? रिवर्सिबल। तो पूरा जो चैप्टर है इक्वी, वो रिवर्सिबल प्रोसेसेस के ऊपर ही बेस्ड है। ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस। इन्हीं पे ही बेस्ड है। कहता है उसको कैरी किया जाता है क्लोज्ड कंटेनर के अंदर। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी बेटा? कंटेनर क्लोज होना चाहिए। सर ओपन कंटेनर में क्या प्रॉब्लम है बेटा? ओपन कंटेनर में अगर बाय चांस कोई गैस वगैरह हुई तो वो एस्केप कर जाएगी, वो बाहर आ जाएगी। इस वजह से तो एक स्टेज आती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज सेम एज द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उसे कहते हैं केमिकल इक्वी। तो आप देख सकते हैं बेटा, अगर आप इस ग्राफ को देखें तो समय के साथ प्रोडक्ट जीरो होता है, पर समय के साथ प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, और रिएक्टेंट का कुछ अमाउंट होता है, और समय के साथ रिएक्टेंट का अमाउंट कम होने लगता है क्योंकि प्रोडक्ट बनने लगता है, रिएक्टेंट का अमाउंट कम होने लगता है क्योंकि प्रोडक्ट बनने लगता है। पर एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों की स्पीड एक बराबर हो जाती है बेटा। वहां पर अब आप देख सकते हो प्रोडक्ट भी, रिएक्टेंट भी उतना ही है और प्रोडक्ट भी उतना ही होता है। तो देखो बेटा, रिएक्टेंट भी उतना ही है, वही सेम चीज है, और प्रोडक्ट जो है वो भी उतना ही है। ये दोनों लाइंस एक दूसरे के बेटा क्या हो जाती हैं? पैरेलल, क्योंकि दोनों का अमाउंट जो है वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है।
इसे कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बेटा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे भी जाते हैं और समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं इट इज डायनामिक इन नेचर, मतलब नेट चेंज क्या होगा, जीरो। कहते हैं इट कैन बी अटेन्ड फ्रॉम ईदर साइड, अगर आप रिएक्टेंट डालोगे तो वो प्रोडक्ट दे देगा और अगर आप प्रोडक्ट डालोगे तो बेटा वो रिएक्टेंट दे देगा, कोई भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इक्वी आ जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की बेटा कॉन्स्टेंट हो जाती है। कॉन्स्टेंट का मतलब ये नहीं होता इक्वल, इक्वल अलग होता है, वो क्या हो जाती है बेटा कॉन्स्टेंट, फिक्स्ड हो जाती है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं इस इक्वी की वैल्यू जो होती है बेटा वो डिपेंड करती है, अगर गैस है तो प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितनी है, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है एंड सो ऑन। तो केमिकल इक्वी डिपेंड करता है प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंसेस जो क्या होते हैं इस्तेमाल होते हैं। जो इसके नीचे का पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, उसको हम जरूर पढ़ते हैं, पर एक बार जरा कुछ कॉपी करना हो तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं। तो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक बेटा क्या आता है कि इट इज ऑलवेज कैरिड इन अ क्लोज्ड कंटेनर। सर क्यों, ताकि कोई भी गैस जो हो बाय चांस वो एस्केप ना कर जाए तो रिएक्शन जो है वो रुक जाएगी, एंड पे आ जाएगी या स्टॉप हो जाएगी। एंड सिक्स्थ पॉइंट, अगर आप एक कैटलिस्ट डालते हैं तो वो इक्वी अटेन करने का सिर्फ टाइम कम करता है, मतलब जो इक्वी बिना केमिकल बिना कैटलिस्ट के 10 मिनट में आता है, कैटलिस्ट डालने पर वही इक्वी की वैल्यू जो है वो 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट में आ जाती है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसका वर्किंग देखो, मैकेनिज्म देखो बेटा। लेट अस अज्यूम हमारे पास एक रिएक्शन है, ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी रिएक्ट करके रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा, हमें क्या देते हैं सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी। तो छोटा ए बी सी डी जो है वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है और कैपिटल ए और कैपिटल बी जो है वो रिएक्टेंट्स है, कैपिटल सी और कैपिटल डी जो है वो क्या है प्रोडक्ट है। तो बेटा किसी भी रिएक्शन का रेट, रेट का बेटा मतलब क्या होता है स्पीड। बेटा ये हम 12th में पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड जो है वो डिपेंड करती है ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। कहते हैं रिएक्शन की स्पीड किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बेटा इस चैप्टर में कॉन्सेंट्रेशन का बेटा मतलब होता है स्क्वायर ब्रैकेट। तो आप देख सकते हैं बेटा रिएक्शन का रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन पर। तो अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूं तो मैंने लिखा है R, नीचे लिखा है F, F का मतलब हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन जो कि स्पीड है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है रिएक्टेंट्स के ऊपर। तो इसी का अगला स्टेप क्या हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब कौन कौन रिएक्टेंट है, ए, ए रेज टू द पावर ए, एंड दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है बेटा बी रेज टू द पावर उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बी। तो जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है बेटा वो रेज टू द पावर बन जाता है। और अगर मैं कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन
हटाता हूं तो बेटा हमारे पास आता है के। के को बेटा हम क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। के को बेटा हम क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ऐसे ही मैं बैकवर्ड रिएक्शन के लिए निकालूंगा तो बेटा रेट बैकवर्ड रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट पे, क्योंकि बेटा बैकवर्ड में ये दोनों रिएक्टेंट होंगे। आई रिपीट, बैकवर्ड के लिए सी और डी रिएक्टेंट होंगे ना, तो रेट बैकवर्ड रिएक्शन का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो, और रेज टू द पावर उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो आ रहे हैं। तो सी की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर सी और डी की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर डी। अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो मेरे पास क्या आ जाता है बेटा, के बी। ये क्या हो गया, रेट कांस्टेंट, लेकिन कौन सी रिएक्शन का, बैकवर्ड रिएक्शन का। इसको हम बेटा क्या मार्क कर लेते हैं, टू। अभी हमने पढ़ा इक्वी पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन क्या थी, ये। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन क्या है, ये। तो आप देख सकते हो बेटा के एफ इंटू रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू द पावर ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस टू द पावर बी विच इज इक्वल टू के बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेस टू द पावर सी एंड इंटू कॉन्क ऑफ डी रेस टू द पावर डी। अब मैंने क्या किया, इन सबको नीचे ले गया और इसको मैं इसके नीचे ले गया तो मेरे पास आ गया कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की अपॉन कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की। जो किसके बराबर हो गया, रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड का डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट बैकवर्ड। बेटा इसे कहते हैं के। के का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बेटा के एफ रेट कांस्टेंट था फॉरवर्ड के लिए, के बी रेट कांस्टेंट है बैकवर्ड के लिए, और सिंपल के जो होता है बेटा उसे क्या कहते हैं, इक्वी कांस्टेंट। आपको इसमें से कुछ भी कॉपी करना हो तो आप कॉपी कर सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो सिंस उसी रिएक्शन के लिए बेटा रेट कांस्टेंट जो फॉरवर्ड का होगा, वही रेट कांस्टेंट जो है वो किसका होगा बेटा, बैकवर्ड का। तो इस रेशियो को हम बेटा क्या मान लेते हैं, के, जिसको हम कहते हैं इक्वी कांस्टेंट। इस ऊपर के एक्सप्रेशन को बेटा हम कैसे लिखते हैं, के, जो कैसे लिखा जाता है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसे कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्वी। तो एक गिवन टेम्परेचर पर प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स रेज टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ देयर इंडिविजुअल स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, जिसको हम कहते हैं इक्वी कॉन्स्टेंट, एंड द लॉ इज नोन एज इक्विलिब्रियम लॉ या फिर लॉ ऑफ केमिकल इक्वी। सर एक एग्जाम्पल देना, तो बेटा एक बड़ा सिंपल सा मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। यहां पे नाइट्रोजन है गैस, मैंने उसको किसके साथ रिएक्ट कराया, हाइड्रोजन एक गैस के साथ। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसको बैलेंस करना जरूरी है। तो मेरे पास ये आ गया अमोनिया गैस। तो बेटा रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा सिंपली प्रोडक्ट में कौन है, अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन, उसका क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर,
डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन, उसका आ जाएगा रेस टू द पावर 1 इंटू हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन रेस टू द पावर 3। तो ऐसे आप इक्वी कॉन्स्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं। इसके अलावा एक और चीज है जो हम पढ़ते हैं, वो है बेटा रिएक्शन कोशेंट, जिसको हम किससे सिंबलाइज करते हैं, क्यू से। सर क्यू क्या होता है बेटा? वो भी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो सर फिर के और क्यू में फर्क क्या है? बेटा फर्क ये है, अगर K और Q दोनों की वैल्यू सेम है तो रिएक्शन कहां पे होगी बेटा? इक्वी पर। अगर इन केस उसी रिएक्शन के लिए KC की वैल्यू ज्यादा है और QC की वैल्यू कम है तो बेटा इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ज्यादा है, और अगर प्रोडक्ट ज्यादा है इसका मतलब है रिएक्शन फॉरवर्ड भाग रही है, और अगर KC की वैल्यू कम हो और QC की वैल्यू ज्यादा हो इसका मतलब होता है बेटा रिएक्टेंट ज्यादा है, और इस वजह से बेटा रिएक्शन जो है वो कहां भाग रही है? बैकवर्ड। ये आपके लिए याद रखना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं बिटवीन KC एंड QC। सर आपने ये C क्या लिखा है बेटा? K का मतलब होता है इक्वी कॉन्स्टेंट, और बेटा C का मतलब होता है जो चीजें आप ले रहे हो आप उनकी कॉन्सेंट्रेशन लेंगे। मोलैरिटी ऐसे लेते हैं, मोलैरिटी मोलैरिटी, बट अभी हमारे कोर्स में सिर्फ मोलैरिटी है जो इस चैप्टर में यूज होगी। तो बेटा QC क्या हो गया? रिएक्शन कोशेंट बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। KC क्या हो गया? इक्वी कॉन्स्टेंट बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। अब क्लास लेट अस सपोज, लेट अस स्टार्ट अ रिएक्शन। जब आप किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करते हो तो बेटा टाइम क्या होता है? जीरो। रिएक्शन कम्स एट इक्वी, रिएक्शन जो है बेटा वो इक्वी पे कब आएगी? आफ्टर 40 सेकेंड्स। रिएक्शन इक्वी पर कब आएगी? 40 सेकेंड्स में। लेकिन आपने बेटा क्या किया? आपने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को पढ़ा और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को पढ़ा और उन दोनों को सॉल्व करके डिवाइड कर दिया। कब? आफ्टर 10 सेकेंड्स। तो बेटा अगर आप इक्वी अटेन करने से पहले, आई रिपीट, अगर आप इक्वी अटेन करने से पहले ही ये रेशियो ले लेंगे उसको हम कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। अगर आप इक्वी अटेन करने से पहले ही आप दोनों का रेशियो ले लेंगे उसको आप क्या कहते हैं बेटा? रिएक्शन कोशेंट। लेकिन अगर आप इक्वी अटेन करने पर इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो बेटा उसको हम कहते हैं इक्वी कॉन्स्टेंट। तो इक्वी अटेन करने से पहले जो रेशियो होता है बेटा दैट इज रिएक्शन कोशेंट, और इक्वी अटेन करने के बाद जब आप निकालते हैं तो बेटा उसे कहते हैं इक्वी कॉन्स्टेंट। और इन दोनों की मदद से, क्यूसी और केसी की वैल्यू की मदद से, क्यूसी और केसी की वैल्यू की मदद से वी कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन फॉरवर्ड भाग रही है कि बैकवर्ड भाग रही है कि इक्वी पर है। नहीं तो बेटा आपको पता है कि अगर आप किसी रिवर्सिबल रिएक्शन को बंद कंटेनर में शुरू कर दो तो बेटा वो रिएक्शन कभी खत्म ही नहीं होगी। एसिड और बेस
आपस में रिएक्ट करते हैं विद इन माइक्रोसेकेंड्स और रिएक्शन प्रोडक्ट बना के फाइनल हो जाती है, क्योंकि वो रिवर्सिबल नहीं है। लेकिन अगर आप किसी रिवर्सिबल रिएक्शन को बंद कंटेनर में कैरी करने लग गए तो बेटा इट विल नेवर एंड, इट विल नेवर कम टू कंप्लीशन। वो फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड वैसे ही भागती रहेगी फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स। तो इस वजह से कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड भाग रही है अभी कि बैकवर्ड भागेगी, तो बेटा उसकी मदद, उसको सॉल्व करने के लिए हम केसी और क्यूसी का रिलेशन निकालते हैं और उससे पता लगाते हैं कि रिएक्शन इस टाइम फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड। यूजुअली अगर मोलैरिटी इज गिवन तो बेटा हम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, उसके लिए हम केसी यूज करते हैं। एंड अगर गैसेस आर गिवन तो बेटा उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पार्शियल प्रेशर, क्योंकि गैसेस को हम पार्शियल प्रेशर से मेजर करते हैं और उसके लिए हम बेटा केसी की जगह क्या यूज करते हैं, केपी। तो फॉर गैसेस वी यूज पार्शियल प्रेशर, इसीलिए उसके लिए हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, केपी रिप्रेजेंट करते हैं। आपको कुछ कॉपी करना हो तो आप कॉपी कर सकते हैं, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आगे देखते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा कि अगर मोलैरिटी दे रखी है तो हम केसी इस्तेमाल करेंगे, अगर गैसेस दे रखी हैं तो हम केपी इस्तेमाल करेंगे। तो यूजुअली हम केपी केसी वर्ड इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं इक्वी कांस्टेंट सिर्फ तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होता है, नो चेंज विद प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन। बेटा प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम से कौन चेंज होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये चेंज होता है। पर प्रेशर और कॉन्स्टेंट से नो चेंज, कौन चेंज नहीं होता बेटा, के इक्वी कॉन्स्टेंट और केमिकल इक्वी दोनों में फर्क है, वो प्रोसेस है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो इक्वी कॉन्स्टेंट सिर्फ टेम्परेचर चेंज होने पे चेंज होता है, पर इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम इस पे चेंज हो जाता है। और अगर कोई सॉलिड हुआ जिसके आगे एस लिखा है, और अगर कोई लिक्विड हुआ या सॉल्वेंट जिसके आगे एल लिखा है, उनकी वैल्यू हम वन लेते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट देयर अमाउंट डज नॉट चेंज, ऑलमोस्ट देयर अमाउंट डज नॉट चेंज और रिमेन्स कॉन्स्टेंट, रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सर एक एग्जाम्पल देना, देखो बेटा वेरी नाइस एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, ये डीकम्पोज करता है रिवर्सिबल प्रोसेस में और बेटा क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और साथ में क्या देता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपको बोला कि बेटा के निकालो, चलो लेट्स सपोज केपी निकालो, चलो केपी भी क्या हम केसी निकालते हैं। तो आप लिखोगे बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आप प्रोडक्ट में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लोगे क्योंकि बाकी दोनों सॉलिड हैं तो वो काउंट में नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो रिएक्ट कर रहे हैं अमाउंट वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। आपको सही दिख रहा है
कि एक कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर एक CO ऑक्साइड देता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड देता है, लेकिन बेटा जितना अमाउंट टूट रहा है और जो अमाउंट आपने डाला है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए सॉलिड्स और जिनके आगे लिक्विड लिखा होता है उनकी कॉन्सेंट्रेशंस को हम इस एक्सप्रेशन में नहीं लेते, क्योंकि देयर अमाउंट रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, डज नॉट चेंज। जब मैं एग्जाम्पल्स कराऊंगा तो मैं आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कराऊंगा। तो आज हम इतना ही करेंगे, आप इनको कॉपी कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको हमारा आज का ये लेक्चर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया। मैंने लैंग्वेज काफी सिंपल रखी है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके कॉन्सेप्ट को, क्योंकि अभी हम सिर्फ बेसिक टॉपिक चीजें कर रहे हैं। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन टॉपिक और चैप्टर को लेकर तो आप मुझे जरूर लिखें, मैं आपके डाउट को सॉल्व करूंगा। अगर मुझे उसके लिए लेक्चर भी बनाना पड़े तो मैं जरूर बनाऊंगा। आप इन लेक्चर्स के लिंक्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी, क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनके पास भी और ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन जो है वो आ सके। एंड अगर आपको ऐसे अपडेट्स रेगुलर चाहिए, नोटिफिकेशंस रेगुलर चाहिए, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लैक ना करें, टाइम के मामले में पीछे ना रह जाए। तो मिलेंगे बहुत जल्दी अपने अगले इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड, एंड बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।